हमीरपुर में दमंगों की दमंगई एक बार फिर देखने को मिली है, जहां मामूली विवाद के चलते दमंगों ने मंदिर के पुजारी को पीट पीट कर मरणासन कर दिया, जिसे घायल अवस्था में पुजारी को कानपुर ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। दरअसल ये मामला हमीरपुर जनपद के मुस्करा थाना क्षेत्र के बसायक गांव का है, जहां मामूली विवाद के चलते मंदिर के पुजारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। गांव वालों ने बताया कि एक दिन पुजारी की बलेरो और ट्रक की मामूली भिड़ंत को लेकर दमंगों और पुजारी के बीच विवाद हुआ था, जिसके चलते दमंगों ने पुजारी को लाठी डंडों से पीट पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया था और मरणासन्न अवस्था में छोड़कर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुजारी को इलाज के लिए कानपुर ले जाया गया, जहां रास्ते में पुजारी की मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना मुस्करा के बसवारी गाँव में एक पुजारी श्री आनंद स्वरूप जी की मृत्यु के संबंध में मीडिया में विभिन्न तरह की खबरें चल रही हैं। इस संबंध में बताना है कि श्री आनंद स्वरूप अपने एक साथ परिचित अनिल के साथ जा रहे थे मुस्कुरा से, और बीच में अनिल के कोई रिश्तेदार मिल गए बोलेरो से। इन दोनों में आपस में बातचीत होने लगी। दोनों एक इनके रिश्तेदार बोलेरो से थे और अनिल मोटरसाइकिल से थे। दोनों गाड़ियाँ रोड के दोनों तरफ खड़ी थी। बीच में से एक ट्रैक्टर वाला जो उसी गाँव का रहने वाला था ट्रैक्टर निकालने लगा, जिससे ट्रैक्टर से उसके बोलेरो और मोटरसाइकिल दोनों में धक्का लग गया। दोनों पक्षों में विवाद हो गया, विवाद मारपीट में तब्दील हो गई और ये पुजारी जी उसमें बीच बचाव करने लग गए, उनको उसी में चोट लग गई। सूचना थाने पर जो मिली कि किसी पुजारी की एक्सीडेंट में चोट लग गई है, वहाँ से पुलिस गई वहाँ मुस्करा थाना से, उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया था अस्पताल, यहाँ से रेफर कर दिया गया कानपुर। कानपुर ले जाया गया, अस्पताल में दिखाया गया, उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। उन्हें गुम चोट लगी थी सिर में, इनका पोस्टमार्टम हो गया है और इनका अंतिम संस्कार आज होकर किया जा रहा है। जो ट्रैक्टर वाला था उसको पकड़ लिया गया है, इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है।